जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और इनमें से एक सीट जो गिरिडीह की सीट है वो आजसू के कोटे की सीट है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दो सीटों पर धनबाद और चतरा में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वहाँ पीएन सिंह और सुनील सिंह सांसद हैं। धनबाद से पीएन सिंह और चतरा से सुनील सिंह दोनों का टिकट फिलहाल होल्ड पर है। उनको टिकट मिलेगा या उनका टिकट कटेगा, इस बात को लेकर संशय बरकरार है। तो ये सवाल सबके जहन में है कि आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है तो सिर्फ धनबाद और चतरा में क्या समस्या आ रही है। दोस्तों, इस पर बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि क्या धनबाद और चतरा में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं किए जाने के पीछे क्या 21 मार्च को होने वाला राज्यसभा चुनाव है। आप जानते हैं कि धनबाद और चतरा में भारतीय जनता पार्टी के जो दो सांसद हैं वो एक ही जाति से आते हैं, दोनों राजपूत जाति से आते हैं। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड की 8 अनारक्षित सीटों में से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक सीट जो गिरिडीह की सीट थी वो आजसू पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो 7 गैर आरक्षित सीटें थीं उनमें 4 पर सवर्ण जातियों के सांसद जीत कराए थे। इनमें गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे, हजारीबाग से जयंत सिन्हा, धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह और चतरा से सुनील कुमार सिंह शामिल थे। यानी 7 जनरल सीटों में से 4 पर भाजपा के सवर्ण सांसद थे और यह प्रतिशत अगर देखें सामान्य सीटों का तो 50% से ज़्यादा सवर्ण सांसद थे। तो इस बार भाजपा ने 5 अनारक्षित सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और सिर्फ एक सवर्ण उम्मीदवार उतारा है और एक सवर्ण उम्मीदवार का टिकट कट गया है, यानी जयंत सिन्हा का टिकट कट गया है। और बाकी के जो 2 सवर्ण सांसद हैं, पशुपतिनाथ सिंह धनबाद से और चतरा से सुनील कुमार सिंह, अब उनके टिकट पर ये अंदाज लगाया जा रहा है कि किसको मिलेगा। धनबाद सीट से और चतरा की सीट से क्या सवर्ण उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी या फिर इन दोनों जगहों पर भी ओबीसी उम्मीदवार उतारा जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सीट पर सवर्ण और एक सीट पर ओबीसी उम्मीदवार उतारा जाए तो कुल भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे सवर्ण जातियों की उनकी संख्या सीधे 4 से घटकर 2 हो जाएगी। भाजपा पहले ही मनीष जायसवाल को उतार चुकी है हजारीबाग से, तो उसका एक ओबीसी उम्मीदवार बढ़ गया है। अब चतरा और धनबाद में से अगर किसी एक सीट पर ओबीसी उम्मीदवार उतारा जाएगा तो ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन धनबाद और चतरा में उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हो पाई है? इसको लेकर तरह तरह के अंदाज लगाए जा रहे हैं। बहुत दिनों से यह चर्चा भी चल रही थी कि सरयू राय को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाएगा और उनको धनबाद से टिकट दिया जाएगा। लेकिन सरयू राय से बात हुई मेरी आज दोपहर को और उनका कहना था कि उनकी भाजपा से कोई बात नहीं हुई है, न कोई बात चल रही है और न उनकी तरफ से और न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात हुई है कि वो भाजपा में शामिल होंगे या कहीं से चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरयू राय से कोई बात नहीं हो पा रही है तो आखिर धनबाद सीट क्यों होल्ड पर है और चतरा क्यों होल्ड पर है? दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं कमलेश कुमार सिंह, हुसैनाबाद से जीत कराते हैं जो पलामू प्रमंडल की विधानसभा सीट है। एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है, एनडीए अलायंस में है और कमलेश सिंह इस नाते एनडीए के फोल्डर में खुद को मानते हैं। कमलेश कुमार सिंह ने कुछ दिन पहले इच्छा जाहिर की थी कि वे चतरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनका कहना था कि चूंकि एनसीपी एनडीए के फोल्डर में है इसलिए उनको चतरा से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। कमलेश कुमार सिंह का यह कहना था कि चतरा लोकसभा में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें चतरा को छोड़कर बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र पलामू प्रमंडल में पड़ते हैं और इस लिहाज से वे वहां के लिए मुफीद उम्मीदवार हो सकते हैं। सुनील कुमार सिंह राजपूत हैं और कमलेश कुमार सिंह भी राजपूत हैं, इस लिहाज से वे चाहते हैं कि अगर किसी क्षत्रिय का किसी राजपूत का टिकट कटे तो उनको मिले। लेकिन धनबाद में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन भाजपा आखिर इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है? क्या उसको ये डर है कि अगर 2 राजपूत सांसदों का टिकट काटा गया या 2 में से 1 राजपूत सांसद का भी टिकट काटा गया तो राज्यसभा चुनाव पर उसका असर पड़ सकता है?
क्योंकि झारखंड में राजपूत विधायकों की संख्या फिलहाल 7 है। इनमें एनडीए के फोल्डर में 3 विधायक हैं, सीपी सिंह, भानु प्रताप शाही और कमलेश कुमार सिंह। चौथे सरयू राय हैं, जो भाजपा के करीब हैं लेकिन भाजपा के साथ नहीं है। मुद्दों पर वे कभी कभी भाजपा के साथ आ जाते हैं, जैसे दीपक प्रकाश जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने सरयू राय से समर्थन मांगा था, वोट मांगा था और सरयू राय ने उनको वोट दिया भी था। तो अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में कमलेश कुमार सिंह और सरयू राय के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में अगर राजपूत सांसदों का टिकट काटा गया और इसको लेकर प्रतिक्रिया हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा है कि इन दोनों विधायकों का वोट उसको नहीं मिल सकता है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा में राज्यसभा चुनाव जीतने का जो गणित है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी। दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना 4 मार्च यानी सोमवार, आज के दिन जारी होगी और इसी के साथ नामांकन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी नामांकन की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। नामांकन की अंतिम तारीख 11 मार्च है और राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए 21 मार्च को मतदान होना है और मतदान के दिन 21 मार्च की शाम 5 बजे तक चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये दोनों सीटें राज्यसभा सदस्य धीरज साहू, जो कांग्रेस के हैं, और भाजपा के समीर उरांव का कार्यकाल पूरा होने पर खाली हो रही हैं। इन दोनों का कार्यकाल 3 मई को ख़त्म हो रहा है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो चर्चा चल रही है दलों में, उसके अनुसार रांची नगर निगम की पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। मैंने पहले ही एक वीडियो में इस बात को बता दिया है कि आशा लकड़ा का राज्यसभा टिकट लगभग तय हो गया है। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरफराज अहमद को यहां से प्रत्याशी बनाना चाहता है, क्योंकि गांडे की सीट उन्होंने पार्टी के कहने पर छोड़ी थी। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि धीरज साहू ही दोबारा राज्यसभा में जाएं। तो अब क्या सूरत बनती है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या समझौता होता है, इस पर अभी फैसला आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएगा। आपको बता दूं कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी थी। इसके बाद राज्यसभा के 2 चुनाव हो चुके हैं और दोनों बार यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई है। मार्च 2020 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और दूसरी बार 2022 में महुआ मांझी को राज्यसभा भेजा गया था। इस बार कांग्रेस के कोटे की सीट खाली हो रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का स्वाभाविक दावा बनता है, लेकिन गठबंधन का धर्म निभाना है तो सर्वसम्मति से फैसला होगा और यह सीट किसके खाते में जाएगी, इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में विधायकों का जो रुख देखने को मिल रहा है, उससे यही लगता है कि आलाकमान बहुत सोच विचार कर बहुत ध्यान से ही कोई फैसला लेगा। दोस्तों, यह भी उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अब 29 सीटें हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को 28 वोटों की ज़रूरत होगी। ऐसे में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार को जिताने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बाबूलाल मरांडी को मिलाकर 26 विधायक हैं और 3 विधायक आजसू पार्टी के पास हैं। यह आंकड़ा मिलाकर 29 का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, सिंदरी से विधायक इंद्रजीत महतो, काफ़ी बीमार हैं और इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे वोट देने आ पाएंगे। दूसरे, बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर भी मामला चल रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद 2 बार राज्यसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और दोनों ही बार बाबूलाल मरांडी ने मतदान किया है। लेकिन एक संभावना ये बन सकती है कि बाबूलाल मरांडी के ऊपर दल बदल का जो मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में चल रहा है, उस पर स्पीकर फैसला ले लें और बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को खारिज कर दें, उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दें, तब भाजपा का एक वोट और कम हो जाएगा। ऐसे में अगर इंद्रजीत महतो और बाबूलाल मरांडी वोट नहीं डाल पाएंगे तो ये आंकड़ा 27 तक पहुंच जाएगा और ऐसे में फिर भाजपा को 1-2 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ लोग अब इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव होने तक इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी। दोस्तों, सरयू राय को लेकर एक थ्योरी ये दी जा रही है
कि 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और फिर उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया तो उनकी सदस्यता तत्काल विधानसभा अध्यक्ष खत्म कर सकते हैं, क्योंकि तब उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। इसलिए राज्यसभा के चुनाव तक धनबाद सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी और उसके बाद सरयू राय को शामिल कराकर उनको भाजपा लोकसभा का टिकट देगी। लेकिन ये सब अभी कयासबाजियां हैं, अंदाजे हैं। तो जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कोई ये कहता है कि उसको दिल्ली से सूचना मिली है, कोई कहता है कि उसको रांची से सूचना मिली है, लेकिन इन सूचनाओं में कोई दम इसलिए नहीं है क्योंकि सरयू राय बहुत मजबूती से इन बातों का खंडन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से न उनके पास कोई संदेश आया है, न उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोई संदेश भेजा है। ऐसी स्थिति में प्रत्याशी बनाना या उनको लोकसभा का टिकट देना या भाजपा में शामिल होने की बातें सिर्फ अटकलें हैं, अंदाजे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन चर्चाएं हैं, चुनाव का माहौल है, तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। बहरहाल कयासों का दौर जारी है। जब तक धनबाद और चतरा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर देती है तब तक सरयू राय और कमलेश सिंह और इस तरह के तमाम कयास लगते रहेंगे। धनबाद सीट से कौन उम्मीदवार होगा, चतरा से कौन उम्मीदवार होगा, ओबीसी होगा कि सवर्ण होगा, ब्राह्मण होगा कि राजपूत होगा, वैश्य होगा या यादव होगा, इन सब पर चर्चा तब तक चलेगी जब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो जाती। लेकिन बहरहाल ये जो सूरत बन रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी कि सरयू राय को लेकर कि क्या वे भाजपा में शामिल होंगे और क्या शामिल होंगे तो कब शामिल होंगे, तो इन सब बातों पर जो डिस्कशन हो रहा था, कुछ जो जानकारियां मिली थी उनको आपके साथ साझा करना था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।